अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Infinix. कांग्रेस के खेमे में कमलनाथ के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश को लेकर क्या रणनीति बुनी जा रही है राजदीप जी? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूं। कमलनाथ मार्च 2020 में उनको अपना मुख्यमंत्री मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उसके तुरंत एक दिन बाद या कोविड की घोषणा होती है, लॉकडाउन की घोषणा होती है, तो कमलनाथ वहीं भोपाल में रहे। 3-4 महीने लॉकडाउन के टाइम पे वहीं थे। अगस्त 2020 में वो दिल्ली आते हैं और कुछ कांग्रेसी उनको मिलने जाते हैं और कहते हैं, कमलनाथ जी अफसोस है कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, क्या अब आप दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आ रहे हैं? तो कमलनाथ उस समय उन कांग्रेसियों से काफी गुस्सा रहे कि उन्होंने कहा, क्यों मैं दिल्ली क्यों आऊं? तो कांग्रेसियों ने कहा, आप तो 9 बार एमपी रहे हैं, मंत्री रहे इतने साल, हमें तो लगा कि आपको दिल्ली की हवा अच्छी लगेगी, कहां आप भोपाल में फिर से जाएंगे, वहां किसी नए नेता को आगे करिए। तो कमलनाथ ने कहा, नहीं, जिस तरह से मुझको हटाया गया है, मैं अब जब तक मैं वापस उस कुर्सी पर ना बैठूं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अब भोपाल में रहूंगा, बस हो गई दिल्ली की राजनीति, ये मेरी आखिरी लड़ाई है मेरे राजनीति की, लेकिन 2023 का चुनाव लड़कर ही मैं रहूंगा और जीत कर रहूंगा। तब से आप देखेंगे कमलनाथ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन पर एक वो पहले तो शुरुआत में संजय गांधी के करीबी माने जाते थे, फिर वो इंदिरा गांधी अन्य नेताओं के साथ जुड़ गए, लेकिन वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे और उन पर एक आरोप था कि वो मध्य प्रदेश के मास लीडर नहीं है, वो रिसोर्सफुल है, छिंदवाड़ा में उनकी पकड़ है, लेकिन पूर्व मध्य प्रदेश में अगर देखें तो दिग्विजय सिंह को मास लीडर एक तरह से माना जाता था कांग्रेस में, कमलनाथ को कभी नहीं। लेकिन पिछले 3 सालों में जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है कि कमलनाथ ने एक तरह से भोपाल को अपनी कर्म भूमि बना दिया है और उन्होंने एक मिशन कर दी है कि मुझे किसी भी हालत में शिवराज सिंह चौहान को हराना है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ा और मुझे कमजोर किया, मुझे उनको और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी वजह से यह सरकार गिर गई, इन दोनों को टक्कर देकर हराना है। अब कमलनाथ की स्ट्रेंथ क्या है? वो रिसोर्सफुल है, वो ऑर्गेनाइजेशनल मैन है, वो संगठन जानते हैं, तो उनको भी पता चल गया कि कांग्रेस बीजेपी को उनका, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में नहीं लड़ रही, कांग्रेस आरएसएस के संगठन के खिलाफ लड़ रही है, मुझे मेरे इस संगठन को मजबूत करना है। तो पिछले 3 सालों में उन्होंने ज्यादातर बूथ लेवल मैनेजमेंट पर फोकस किया है, वो मास लीडर एक तरह से आप कह सकते अभी तक नहीं बने हैं, वो जो ह्यूमन कनेक्ट है, वो जो जनता से कनेक्ट है, या जो शिवराज सिंह चौहान जो अदिति कह रही है, उस तरह का कमलनाथ का कनेक्ट नहीं है। लेकिन कमलनाथ में एक चीज है जो बहुत कम कांग्रेसियों में है कि वो संगठन को कैसे मजबूत करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं, और वो एक तरह से उस तरह के राजनेता है कि अगर उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसमें वो पूरी तरह से पड़ जाते हैं। इसीलिए 50 साल आप सोचिए, सौरभ पहला चुनाव उन्होंने 1980 में लड़ा है, तो बहुत कम नेता होंगे जो संजय गांधी के जमाने से अब भी राजनीति में सक्रिय है। कांग्रेस के एक में वैसे नेता है, एक अशोक गहलोत है और एक कमलनाथ है, यानी इन दोनों राज्यों में एक ऐसे नेता है जो एक तरह से संजय गांधी की के इरा से, युग से आते हैं। तो कमलनाथ जी ने, और एक दूसरी बड़ी बात है, कांग्रेस ने ये पूरा चुनाव कमलनाथ को आउटसोर्स कर दिया है, जो हाई कमांड कल्चर है, उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं की थी। राजदीप जी ये बात आप कितने दावे के साथ कह पा रहे हैं? क्या सुनील कन्नूगोलू की टीम सर्वे नहीं कर रही है? क्या जो अलग अलग वॉरिंग फैक्शंस हैं उनकी अपनी अपनी दावेदारियां नहीं है? दिग्विजय सिंह पिछली बार नर्मदा की यात्रा पर निकले थे, इस बार उनकी सक्रियता का स्तर क्या है? जो आदिवासी समाज के नेता हैं मालवा निमाड़ की बेल्ट में, उनकी सक्रियता क्या है? महाकौशल के नेताओं की सक्रियता। और एक बात पे मैं बड़ा चकित हूँ आपके एक ऑब्जर्वेशन पे, जिसमें आपने कहा कि कमलनाथ सांगठनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं, बिकॉज वी हैव नेवर हर्ड ऑफ इट सर। नहीं नहीं देखिए, आप जानिए, वो कई सालों तक जनरल सेक्रेटरी कई राज्यों के रहे और उन्होंने उन राज्यों में एक तरह से संगठन जाना है। कांग्रेस के नेता कई ड्राइंग रूम के नेता होते हैं, मैं नहीं मानता कमलनाथ उस तरह के ड्राइंग रूम के नेता है,
उन्होंने क्योंकि इतने साल राजनीति में सक्रिय रहे ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, कांग्रेस और मैं मास लीडर नहीं कह रहा, व्हाट अबाउट हिज वोट कैचिंग एबिलिटी, कैन ही बी द पोस्टर बॉय फॉर कांग्रेस इन मध्य प्रदेश, सॉरी व्हाट अबाउट हिज वोट कैचिंग एबिलिटी आउटसाइड छिंदवाड़ा, क्या वो पूरे मध्य प्रदेश में सीधे अपील रखने वाले, और जो एक राजनीति का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है करिश्माई नेतृत्व, है ना सर, वो सर दो बातें, पहली आपने बात की कि क्या उनको पूरी तरह से अधिकार दिया गया है। देखिए 2020 और 22 के बीच में उनके पास पूरी तरह से अधिकार थे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए कुछ कांग्रेसियों ने कहा देखिए सर्वे बन रहे हैं, जो भी हो रहा है, कमलनाथ एक तरह से पूरी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें दूसरे ओपिनियंस भी लेने पड़ेंगे। तब कांग्रेस ने सुनील कानोगुलू जो उनके कांग्रेस के इलेक्शन इंचार्ज है उनसे कहा आप सर्वे करवाइए, देखिए कि किस कंस्टिट्यूंसी में कौन सा वो व्यक्ति है, जो उन्होंने कर्नाटका में भी किया कि आप अपने इंटरनल सर्वे में अपने वर्कर से जानिए उस क्षेत्र का नंबर वन कैंडिडेट कौन होना चाहिए, नंबर टू कौन, नंबर थ्री कौन, क्योंकि हम केवल कमलनाथ के फीडबैक पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें एक एक्सटर्नल फीडबैक चाहिए। तो सुनील कानोगुलू को भेजा। उसके बाद देखिए रणदीप सुरजेवाला कर्नाटका की जीत के बाद जो वहां जनरल सेक्रेटरी थे उनको कहा गया आप जाइए मध्य प्रदेश, क्योंकि वही फॉर्मूला जो था आपकी जो टीम थी, आप सुनील कानोगुलू आप सब मध्य प्रदेश जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कमलनाथ को सपोर्ट दिया जाए। हाँ कमलनाथ इज द लीडर, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस जीतती है, लेकिन एक फीडबैक मैकेनिज्म होनी चाहिए ताकि बाकी नेताओं को नहीं लगे कि उनको किनारे किया जा रहा है। तो ये जरूर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमलनाथ इज द सुप्रीमो ऑफ मध्य प्रदेश, लेकिन एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है इस चुनाव में कांग्रेस में। आप बिल्कुल सही है, वो कोई आप नहीं कह सकते वो करिश्माई नेता है, लेकिन उनका कहना है देखिए मैं करिश्माई भले ना हूं, कितने नेता हैं जो कह सकते हैं 9 बार मैं चुनाव जीता हूं छिंदवाड़ा से, एक ही बार हारे थे इंटरेस्टिंगली सुंदरलाल पटवा के सामने 1997 में, और उसका कारण था कि 96 में जब कमलनाथ हवाला में उनका नाम आया उनको उनकी टिकट काटी गई और उनकी जगह उनकी पत्नी को रखा गया, और वहां लोगों में इस बात को लेकर काफी नाखुशी थी कि एक साल बाद कमलनाथ ने बाय इलेक्शन करके वहां चुनाव लड़ने की कोशिश की। मुझे सिर्फ वही इकलौता फैक्टर नहीं था, भोपाल में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, राजदीप जी बताइए तो पूरा बताइए। नहीं देखिए दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ है ना, वो एक अंग्रेजी में वर्ड है फ्रेनमी, वो दूसरे एक दूसरे के दोस्त भी बनते हैं एक दूसरे के दुश्मन भी रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की एक जमाने में जो देखिए उन्होंने जब सिंधिया जी हट जब उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया को निपटाना था कांग्रेस में तब दोस्त हो गए। नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का यही कहते हैं कि ये दो जो बड़े नेता थे ये दोनों मेरे खिलाफ बन गए और मुझे एक तरह से साइडलाइन किया गया। तो कमलनाथ और दिग्विजय की एक पुरानी एक तरह से रिश्तेदारी है, यानी पॉलिटिकल फ्रेंडशिप है या फ्रेनमीज है, कभी कभी दुश्मन रहे, पर कमलनाथ की नजर इंपॉर्टेंट बात यह है सौरभ, 5 साल पहले तक कमलनाथ की नजर उस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति पर नहीं थी जितनी दिग्विजय सिंह की थी। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के राजनेता रहे हैं और उनकी एक तरह से जमीन से वो यात्रा हो या लोगों से एक्सेसिबिलिटी हो कनेक्शन हो वो दिग्विजय सिंह का था जो कमलनाथ का नहीं था। लेकिन पिछले 5 सालों में कमलनाथ ने अपनी तरह से बूथ लेवल पर एक कोशिश की है कि अपने लोगों को हर जगह रखो अच्छा। और अपनी एक बेस बना दे जी, ये दैट इज अ बट आई थिंक हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम इज और यही कांग्रेस का प्रॉब्लम है कि कर्नाटका में उनके पास शिवकुमार और सिद्धरमैया ये दोनों जो थे उनकी एक जोड़ी बन गई एंड में। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने फाइट किया लेकिन अलग अलग उनके स्ट्रेंथ थे। अब मध्य प्रदेश में उस तरह का करिश्माई या मास कनेक्ट वाला नेता क्या वाकई है कांग्रेस में जो शिवराज सिंह चौहान को उस हिसाब से टक्कर दे पाए। देखिएगा ऐसा ना हो कि शनिवार की दोपहर को दिग्विजय सिंह के यहाँ से आपके लिए फोन आ जाए। रुक करते हैं राजस्थान का, हिमांशु राजस्थान में दिग्विजय सिंह सौरभ लास्ट पॉइंट दिग्विजय सिंह इज अ लीडर विद अ मास कनेक्ट, आप इससे हट नहीं सकते। इसीलिए तो मैंने कहा कि देखिए कहीं फोन ना आ जाए। चलिए समय का अभाव है लेकिन उसको प्रोजेक्ट नहीं किया जी बिल्कुल।